नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नई वीडियो में। ये मेरे पास में TVS का लूना है, जो कि XL100 आई टच FI BS6 लूना है। तो आपका जो काफ़ी कमेंट आ रहा था कि इसमें जो है हमारा जो कहना चाहिए बाइक है, तो वो जो है आइडल में रुकती नहीं है, चलते चलते बंद हो जाती है। तो आज जो है मेरे पास में फाइनली ये गाड़ी आई हुई है, जो कि इसके साथ ही यही वाला केस था कहना चाहिए कि बाइक जो है आइडल में रुक नहीं रही थी। तो इसका जो हम फ्यूल पंप है, तो ये जो है मैं ओपन किया हूँ, तो इसमें होता क्या है, ये जो स्लाइडर है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है ये स्लाइडर है जो कि ये पेट्रोल में चलता है और इस तरीके से चलता है, तो ये जो है कट जाता है ये। तो इसका ये फ्यूल ये पंप है, और ये दूसरा ये जो यहाँ पे लगा है ये इसका मोटर है, फ्यूल का जो है मोटर है। तो इसका जो कहना चाहिए फ्यूल का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, और जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर तक प्रेशर जाना चाहिए तो वो जो है कम हो जाता है, इसलिए जो है इस बाइक में दिक्कत आती है। काफ़ी सारे केस जो है हमारे पास आई हुई हैं। तो आपको करना क्या है, ये फ्यूल पंप जो है इस तरीके से ओपन करना है, और इसे जो है अच्छे से आपको क्लीन कर लेना। पहले क्लीन होने के बाद जो है आपको WD-40 यहाँ पे जो है आपको WD-40 जो है यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे डालना है। और आपके पास WD-40 नहीं है तो हल्का यहाँ पे ऑयल भी आप डाल सकते हैं, ऑयल की मदद से जो है। और यहाँ पे डालने के बाद जो है आपको वापस ये फ्यूल पंप जो है आपको यहाँ पे फिटिंग कर लेना है। तो एक बार मैं जो है चेक करा कर आपको दिखा दूँ, इसका इग्निशन जो है हम ऑन करेंगे और ये इस तरीके से जो है चलता है ये, और यहाँ से जो है हमारा फ्यूल जो है प्रेशर से जो है प्रेशर के थ्रू जो है हमारा यहाँ पे इंजेक्टर तक जो है जाता है ये। तो आपको जो है इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, फ्यूल पंप नहीं डालना है तो। और दूसरी चीज़ जिसमें जो है बहुत सारे फिल्टर हैं, एक यहाँ पे है और यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर वाल्व भी है, ये भी आप क्लीन कर सकते हैं, और इसके अंदर भी एक फिल्टर है वो भी आप क्लीन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ की बात की जाए तो इसका थ्रॉटल बॉडी, यहाँ पे इसका थ्रॉटल बॉडी है, जो कि इस बाइक का जो कंडीशन है, इसका थ्रॉटल बॉडी जो है बहुत ही ज़्यादा डस्ट है इसमें। तो थ्रॉटल बॉडी क्लीनर आपको लेना है इस तरीके से, और थ्रॉटल बॉडी क्लीनर की मदद से जो है इसे जो है आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। जैसे कि हम एक शॉट मैं आपको दिखा दूं, और ऐसे WD से आपको क्लीन नहीं करना, सिर्फ जो है थ्रॉटल बॉडी क्लीनर से ही ऐसे क्लीन करना है, ताकि ये जो है अच्छे से क्लीन हो जाए, है ना। तो देखना है ये जो है इस तरीके से जो है क्लीन हो जाएगा ये, जब हम क्लीनर इसमें मारेंगे और ये क्लीन हो जाएगा ये। तो इस तरीके से जो है इस थ्रॉटल बॉडी को भी बाहर निकाल कर जो है आपको और अच्छे से तरीके से जो है अच्छे तरीके से जो है फुल क्लीन कर लेना है। और इसका एयर फिल्टर भी आपको जो है कंडीशन देखकर जो है चेंज कर देना, या तो फिर इसे भी आपको प्रेशर से क्लीन कर लेना। तो इस बाइक इस स्कूटर में जो है काफ़ी प्रॉब्लम यही आता है कि इसका जो आइडल में से रुकना चाहिए वो जो है आइडल में रुकता नहीं, बार बार स्कूटर जो है बंद हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं दोस्त। तो इसमें जो है हमने कंप्लीट सर्विस कहना चाहिए, जो मेजर सर्विस होता है वो पूरा इसमें जो कंप्लीट कर चुका है, और इसके इंजेक्टर भी क्लीन कर दिए हैं, और थ्रॉटल बॉडी और इसका फ्यूल पंप भी। और अब हम जो है इसे स्टार्ट करके आपको हम दिखा दें, तो इसका इग्निशन ऑन करेंगे और इसमें लगाएंगे सेल। तो देख पा रहे हैं अब जो है बाइक जो है आइडल पोजिशन में जो है बंद नहीं होगी, सारा कुछ जो है कम्प्लीट सर्विस करने के बाद जो है। तो आप जो है इस तरीके से जो है आपके पास में ये गाड़ी है या फिर आप मैकेनिक हैं, तो इस तरीके से जो है फ्यूल पंप का जो प्रेशर होता है जो डाउन हो जाता है, जिससे जो है बाइक जो है स्टार्ट होने में दिक्कत होती है, आइडल में रुकती नहीं है, बंद हो जाती है। तो आपको जो है थोड़ा सा उसमें ऑयल डाल के, या फिर WD आपके पास WD-40 है तो वो भी आप डालकर जो है फ्यूल पंप का जो प्रेशर है वो वापस ला सकते हैं, और इस तरीके से जो है आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं।